साइड भी पुलिस फोर्स ने बैरिकेड्स लगा के रॉक करके रखा है दिल्ली के लिए, जो किसान लोग कूच करने वाले। हम जो है मोदी जी से कहना चाहते हैं कि 1.25 करोड़ जनता ने आपको प्रधानमंत्री चुना है और वही जनता आपको नीचे लाके खड़ा कर देगी। हमें दिल्ली के लिए जाने दीजिए, हम बिल्कुल भी नहीं चाहते टकराव हो, नन्ना किसान है। क्यों ये इस बार बहुत खाएंगे नहीं पहुंचे, पीछे पीछे देख। नमस्कार, मैं जीत सिंह और आज मैं आ चुका हूँ नोएडा। जिस तरह से किसान ने ये कपड़े उतार के दिल्ली के लिए कूच करी है, ये दिल्ली के लिए कूच कर पाते हैं नहीं कर पाते, तमाम किसान यहाँ पर बहुत सारे शांति से तमाम किसान लोग दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं, कूच कर रहे हैं, लेकिन जिस तरफ जाना था उस तरफ बैरिकेड लग चुके हैं और आगे भी जी सर जिस तरह से आपको इस साइड जाना था इस साइड बैरिकेड्स लगे हुए और इस साइड ही पुलिस फोर्स ने बैरिकेड्स लगा दिए सर पीछे तरफ जाने लगे नहीं फिर दिल्ली जाएंगे। जी सर, आज हम जो है मोदी जी से कहना चाहते हैं कि 1.25 करोड़ जनता ने आपको प्रधानमंत्री चुना है और वही जनता आपको नीचे लाके खड़ा कर देगी। ये याद रखना मोदी जी आप कि इस जनता से किसी की जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं पीछे तक तस्वीर दिखा दीजिए कि किस तरह से किसान की इतनी भारी मात्रा में संख्या है, देखते हैं आगे पुलिस फोर्स इनको रोक पाएगी या नहीं रोक पाएगी। आइए सर, जी सर, जिस तरह से दोनों तरफ बैरिकेड लॉक हो चुके हैं, साइड में हमें उस पे हाईवे पे चढ़ के जाएंगे, मतलब उस पे फ्लाई ओवर पे चढ़ के जाएंगे, ऊपर लॉक हो चुके हैं, साइड में हमें उस पे हाईवे पे चढ़ के जाएंगे, मतलब उस पे फ्लाई ओवर पे चढ़ के जाएंगे ऊपर, कोई बात नहीं हमारे जिस तरह से दूसरी तरफ का जो बैरिकेड है किसानों का केवल एक ही कहना है कि वो आगे वाला बैरिकेड तोड़ेंगे। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि कितनी भारी मात्रा में पुलिस फोर्स इनको रोक पाती है नहीं रोक पाती है। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे हाथ में भी लाठी है आज, मतलब दोनों तरफ से बराबर 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 मुकाबला होगा आज। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं ये भारी मात्रा किसान आगे पुलिस की बैरिकेड तोड़ पाएगी, तोड़ पाएगी नहीं तोड़ पाएगी। आप बने रहे हमारे साथ और हम आपको दिखाते हैं किस तरह से पुलिस फोर्स इनको रोकती पाती है नहीं रोक पाती है। धीरे धीरे भारी मात्रा में किसान आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, देखते हैं कि आगे चल के क्या होता है, क्योंकि जिस साइड इनको दिल्ली जाना था उस साइड पुलिस ने पूरा पैक कर दिया और वहां किसान नहीं जा पाई। और आगे चल के देखते हैं कि ये दूसरी तरफ जब बोला है पुलिस वालों ने कि वो भी लॉक कर दिया है, देखते हैं कि भारी मात्रा में किसान आगे जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, दिल्ली के लिए कूच कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। किसानों का बस यही कहना है, उन्होंने बिल में कुछ भी सुधार ही नहीं चाहिए, केवल उनको तीनों काले कानून है वो वापस चाहिए। तो साइड भी पुलिस फोर्स ने बैरिकेड्स लगा के रॉक करके रखा है दिल्ली के लिए, जो किसान लोग कूच करने वाले हैं। अब आगे चल के देखते हैं कि जो इस साइड से है वो किसान लोग कूच कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारी मात्रा में यहाँ पर लेडीज़ पुलिस और जेंट्स पुलिस दोनों हैं। जिस तरफ से दूसरी तरफ के लिए किसान जाने के लिए रेडी थे वहाँ पर एएसपी और तमाम पुलिस फोर्स ने बोला कि ये के लिए बहुत दिक्कत होगी, केवल यहाँ दिल्ली जाने के लिए दो रोड है और वो दो अगर आप लोग आगे जाएंगे दोनों लोग ब्लॉक हो जाएगी। इस कदर किसानों ने बात मान के डीएनडी की तरफ जाने का फैसला किया है और उन्होंने कहा है कि हम डीएनडी से दिल्ली के लिए कोच करेंगे। सर आपको बोला सर डीएनडी से जाने के लिए कोच, डीएनडी जाएंगे आप दिल्ली? हाँ डीएनडी से दिल्ली जाएंगे बिल्कुल। आगे उधर से भी नहीं जाते सर? तो नहीं हम कोच करेंगे, लाइन लाइन बैरियर तोड़ेंगे। जैसे कि आप इस बार सुन रहे हैं पीछे इस साइड आनंदी कूच की साइड नहीं जान दिया, लेकिन ये बोल रहे हैं डीएनडी के साइड अब ये कूच के रास्ते से भी जा सकते हैं।
जी सर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सीधा सा कहना है जी, कालिंदी कुंज से हमें नहीं जाने दे रहे सर, जिसके आगे ही बैरिकेड लगे हुए हैं और वहाँ पर आपको नहीं जान दिया तो हम वहाँ भी प्रयास करेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से प्रयास करेंगे, आखिर हमें दिल्ली पहुँचना है जी। जैसा कि आपने देखा है कि इनके ऊपर से ऑर्डर आया और ये बोल रहे हैं कि इनको शांतिपूर्वक दिल्ली के लिए कूच करना है, अब आगे चल के देखते हैं कि जो दूसरी साइड पुलिस फोर्स तैनात है और वो इनको दिल्ली जाने के लिए कूच करने देती है नहीं करने देती है। जी सर, दूसरी साइड भी सर पुलिस फोर्स तैनात है, चारों तरफ पुलिस है, जो होगा देखा जाएगा, चल रहे हैं फिर इस साइड भी आप कूच करने के लिए, हाँ कूच करने के लिए जा रहे हैं दिल्ली जीएनडी। जिस तरीके से कुछ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि तमाम किसान के जो लोग हैं वो अब डीएनडी की तरफ से दिल्ली के लिए कूच करने के लिए निकल पड़े हैं, कुछ तस्वीर आप देख सकते हैं। जी सर, जी सर, डीएनडी तरफ आप कूच करने निकल रहे हैं, वहाँ पर ही पुलिस फोर्स तैनात थी, इधर भी पुलिस फोर्स तैनात थी, यहाँ तो आपको मना कर दिया आनंदी कूच से जाने के लिए, सर आपको लगता है वो डीएनडी से आपको जाने देंगे? सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, जब तक किसान अपने आंदोलन में खड़ा होता है ना तो ऐसी की तैसी बदल देता है और तख्त और ताज दोनों को खत्म कर देता है। सरकार है ये, किसान सरकार है साहब, जिसमें से आप हम और सब इसी से बने हैं। जी सर, जी सर, जी सर, आगे भी पुलिस फोर्स तैनात है सर, अगर पुलिस हमें नहीं जाने देगी तो हम बैरिकेड तोड़ते हुए जाएंगे, क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं होगा। इस बार आप बैरिकेड तोड़ के जाएंगे आगे? तोड़ेंगे, क्योंकि सरकार बार बार प्रयास करने के बावजूद भी किसानों की मांगों को पूरा नहीं कर रही है, इसीलिए अब घोर आंदोलन होगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसे कि इस बार आपने सुना है कि अगर ये दूसरी साइड से अगर नहीं जान देते हैं तो इन्हें साफ तौर से बोला है कि ये दिल्ली के लिए कूच करेंगे, भला ही इनको ये बैरिकेड तोड़ना क्यों नहीं पड़े या फिर बैरिकेड कूद के जाना पड़ेगा, लेकिन इस बार किसानों का साफ ही कहना है कि दिल्ली के लिए कूच करेंगे। दिल्ली के लिए तमाम किसान फोर्स है वो दिल्ली के लिए कूच, डीएनडी की तरफ से दिल्ली के लिए कूच करने के लिए निकल पड़ी है। कुछ ही देर में हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे दूसरी बैरिकेड, दूसरी डीएनडी की, डीएनडी बॉर्डर की बैरिकेड्स की जो तस्वीरें दिखाएंगे आपको, जहां पर पुलिस फोर्स तैनात है और देखते हैं कि इस बार पुलिस फोर्स फिर बातों से ही बात सुलझा लेती है या फिर दिल्ली के लिए अंदर जान देती है कूच करने के लिए। इस बार पहुँच पाएंगे नहीं पहुँचे, देख सकते हैं कि किसान और पुलिस के बीच में झपड़ शुरू हो चुके हैं, किसान जो लगातार कोशिश कर रहे हैं आगे जाने के लिए और पुलिस फोर्स को धक्का दे रहे हैं, और आप सीधे तस्वीरें देख सकते हैं सामने जो है, लेकिन पूरी पुलिस फोर्स जो यूपी की वो रोकने के लिए तैयार है, लेकिन किसान जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये किसान और पुलिस के बीच में ये जो है झड़प शुरू हो चुकी है और पुलिस प्रशासन ने पूरे जोर लगा दी है और किसान भी जिद पे अड़े हैं कि अब जो हम दिल्ली जाके ही रहेंगे। आप बता दें कि जब वहाँ पे जब कालिंदी कुंज की तरफ से दिल्ली जा रहे थे तो पुलिस प्रशासन ने उन्हें वहाँ से रोक दिया, तो किसानों ने अपना जो काफिला था वो डीएनडी की तरफ मोड़ दिया और डीएनडी की तरफ भी पुलिस प्रशासन बहुत ने रोक दिया, किसान आगे बढ़ रहे हैं लगातार और प्रशासन पुलिस जो है इनको रोकने की कोशिश कर रही है। अब देख रहे झड़प जो हल्की फुल्की जो झड़प हो चुकी है, किसान जिद पे अड़े हैं कि हम जाके रहेंगे। क्या होगा दिल्ली जाएंगे, आनंद कुंज से होते हुए बिल्कुल हाथ जोड़ करके पैर छू करके गिड़गिड़ा करके हम अपने भाइयों से टकराना नहीं चाहते, हमें दिल्ली के लिए जाने दीजिए जाए, हम बिल्कुल भी नहीं चाहते टकराव हो, नन्ना किसान है, आपको भी बल प्रयोग करने में कहीं ना कहीं शर्म आएगी, क्योंकि किसान ही अपने हाथ में लक्ष लिए हुए है, ऐसा ना हो कि दो बेटे किसान के आपस में टकरा जाए, एक वर्दी वाला और एक
हल्के हफ्ते वाला और जय जवान जय किसान का नारा कहीं कलंक कितना हो जाए। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। कुछ नहीं जाने देते हैं, एक संगठन है की तरफ चर्चा छोड़ो, एक संगठन है जो जबरदस्ती डीएनडी की तरफ हम वापस हो रहे हैं। डीएनडी की तरफ डीएनडी से भी हम आपको वहाँ अपील करेंगे, वो आगे अपील करोगे तो देखेंगे, लेकिन इस समय डीएनडी के रास्ते से मेरा अनुरोध है, बार बार अनुरोध है।